मंगलवार को प्रदर्शन रैली में हिस्सा ले रहे 100 से अधिक सीपीआईएम कार्यकर्ताओं पर कुछ अज्ञात बदमाशों ने हमला कर दिया। वामपंथी पार्टियों की देशव्यापी रैली के समर्थन में बगैर अनुमति के राज्य के सीपीआईएम कार्यकर्ताओं ने भी रैली निकाली थी। इस रैली का नेतृत्व पूर्व मंत्री बादल चौधरी, रतन भौमिक और पूर्व विधायक माधव साहा कर रहे थे। बीजेपी का तो गवर्नमेंट तार प्रशासन तार दुर्बलता से बुझते पाछे जा बोले मानुष के ভোট এনেছি একটা কর্মসূচিও আজকে রূপায়িত করতে পারছেন। এই বারোটা দিয়ে যে ভোটের আগে ছাড়লো তার মধ্যে বলুন কোন প্রতিশ্রুতি রক্ষা করছে চার মাসের মধ্যে, বা এই প্রতিশ্রুতি রক্ষা করার জন্য কোনো রকমের কোনো উদ্যোগ আছে? গ্রামে আজকে মানুষ মানে অধ্যার অনাহারে আছে, গণতন্ত্র কী আছে? নির্বাচিত পঞ্চায়েত সেখানে সব ভেঙে দেওয়া হলো, জোর করে তাদের কাছ থেকে পদত্যাগ আদায় করলো। আপনাদের রুদিপুরে মিউনিসিপ্যালিটি চেয়ারম্যান, হ্যাঁ, সে অফিসের মধ্যে অপদস্থ হলো, তার থেকে মানে রিজাইন করলো, পদত্যাগ করলো। তারপরে আপনার উদয়পুরের মন্ত্রী, তিনি রিকোয়েস্ট করলেন, মুখ্যমন্ত্রী রিকোয়েস্ট করলেন আপনি কাজ চালিয়ে যান, তারপরেও সে অফিসে গেছে, তাকে অপদস্থ করা হয়েছে। सीपीआईएम की ओर से जारी बयान में कहा गया है कि उन्होंने अनुमति लेने की कोशिश की थी लेकिन पुलिस ने उन्हें अनुमति नहीं दी। रैली के न्यू टाउन रोड में प्रवेश करते ही हमलावरों के दल ने उन पर हमला कर दिया और मौके से फरार हो गए। इस हमले में सीपीआईएम के 7 से 8 कार्यकर्ता घायल हो गए। पुलिस ने बगैर अनुमति रैली निकालने की वजह से सीपीआईएम नेताओं के खिलाफ एफआईआर दर्ज की है। हम सुनाए नहीं है, उनके एक्चुअली परमिशन नहीं है, परमिशन पूछा है, हम बताया था लैंड ऑर्डर सिचुएशन ठीक नहीं है और हमारा प्रेसिंग कमिटमेंट्स है लैंड ऑर्डर का, इसलिए हम परमिशन आज दिया नहीं। लेकिन फिर भी वो लोकल एमएलए कॉल किया था मेरे को, रतन भौमिक ने कॉल किया और ऑनरेबल एक्स मिनिस्टर बादल चौधरी भी कॉल किया था, वो लोग बोल रहा था हम कैरी आउट करेंगे, हम बोला था वी कैनॉट गिव एनी प्रोटेक्शन बिकॉज ऑफ सर्टेन कमिटमेंट्स, तो वो लोग अपने निकल गए। फिर भी हमारा लॉन्ड ऑर्डर ड्यूटी में जो रहे हुए तो कुछ घटना हो गया तुरंत उसके वजह से सेव किया। और हमारा कहना है जब हम अमरपुर में अलाउ किया, करबुक में अलाउ किया, यहाँ कुछ प्रॉब्लम है इसलिए हम अलाउ नहीं कर पाया था। मुख्यमंत्री बिप्लब कुमार देव ने मंगलवार को बेलोनिया स्थित साउथ त्रिपुरा जिला मुख्यालय में पुलिस अधिकारियों के साथ एक बैठक में हिस्सा लिया। बैठक में पुलिस महानिदेशक अखिल कुमार शुक्ला, कानून व्यवस्था के पुलिस महानिरीक्षक केवी श्रीजेश, मुख्यमंत्री के अतिरिक्त सचिव डॉक्टर मिलिंद रामटेके और जिला न्यायाधीश भी उपस्थित थे। कृषि क्षेत्र में सुधार और रासायनिक कृषि को बंद करने के उद्देश्य से कोहिमा में जैविक और प्राकृतिक कृषि पर आधारित राज्य स्तरीय 2 दिवसीय विषयगत प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन किया गया। निश्चित तो कर्मचारी तो निश्चित हो गया, बजट तो टाका आछे। अच्छा, तो जो बजेटे टाका ना देखते एखन तो आछे बजेटे टाका, कर्मचारी शिक्षित मानुष बोझे तो ওদের টাকা ওদের কাছেই পাবে এনারা। আমি আপনাদের মাধ্যমে এটা বলবো, আপনারা উৎসাহ দেখান, এটা উৎসাহ থাকবে আমাদের কর্মচারীর মধ্যে, সবাই চায় যে আমার স্যালারিটা ভালো হোক, আমি অন্যদের বরাবর জীবন জীবিকা নির্বাহ করি। কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে এটাও যে একটা জিনিস আমি চাই, কোয়ালিটি অফ ওয়ার্ক চাই ও টাইম বাউন্ড কাজ চাই, এগুলো আমাকে দেখাক, এগুলো লাগবে। विश्व युवक केंद्र के सहयोग से अर्थ फ्रेंडली जेनरेशन ने प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन किया था।
25 अलग अलग संगठनों से कुल 117 प्रतिभागियों ने प्रशिक्षण कार्यक्रम में हिस्सा लिया। This is a two-day training program. It is started on 23 and 24. And through this training program, we have promoted the organic farming. Those are starting for individuals, not through any NGOs. It will be started for home, our community, our society. After we can aware all the aspects, technical aspect. Under this training program, technical person are there, are coming and teach about the organic or natural farming. And also, clear the misconception about the nature of farming. And we also represent two or three success stories. Those are working on the natural issues or organic farming. इस साल 11 और 12 जुलाई को सिक्किम की टेमी चाय ने चीन गणराज्य के हांगजो में अंतर्राष्ट्रीय प्रीमियम चाय प्रतिस्पर्धा में भाग लिया। न्यायाधीशों के सम्मानित पैनल ने 6 अलग अलग राज्यों के 620 चायों के नमूनों का स्वाद चखा। विश्व चाय संघ ने इस कार्यक्रम का आयोजन किया था। प्रतियोगिता में टेमी चाय ने स्वर्ण पदक जीता। चाय बागान का वर्णन मास्टर चाय टेस्टर नलिन मोड़ा ने किया। सिक्किम की महिला फुटबॉलर अंजू तमांग को सीनियर भारतीय राष्ट्रीय महिला फुटबॉल टीम में चुन लिया गया है। 26 जुलाई से 9 अगस्त तक स्पेन के वैलेंशिया में आयोजित होने जा रहे कॉटिफ कप 2018 में अंजू भारत का प्रतिनिधित्व करेगी। फिलहाल वह ग्वालियर स्थित नेशनल कोचिंग कैंप में है, जहां उन्होंने 8 से 24 जुलाई तक हिस्सा लिया। मंगलवार को इसका समापन हो गया।